अभी हम जदयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व बीजेपी भूषण पांडे जदयू में शामिल हो गए। आपको बता दें कि सांसद ललन सिंह और मंत्री जदयू के अशोक चौधरी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण करा लिया। हालांकि शाम 4 बजे उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने अभी जदयू कार्यालय पहुंचे, उसके बाद उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर लिया। आने वाले समय में पता चलेगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसको लेकर जब उससे कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर कुछ बोला तो नहीं, लेकिन इतना साफ तौर है कि कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या कुछ करें इसी पर दूसरे पार्टी सुनिए जरा। मैं दल का अनुशासित सिपाही हूँ, दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा, उसके आदेश के अनुसार ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता, ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। अभी तक तो इन्होंने कोई बायोडाटा दिया नहीं है। अब पार्टी में तो हम लोग बायोडाटा ना मांगे, तो इसलिए कोई बायोडाटा तो अभी चुनाव का कहां सवाल है, अभी चुनाव का कोई सवाल तो है नहीं। लोकसभा का होना है, हम लोग को पता नहीं है। ये लोक जनशक्ति पार्टी पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, वो भारतीय जनता पार्टी नेता लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री ललन बाबू, जदयू के मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी, आज 4 बजे शाम को माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन किया कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं, जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।